करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ रामेश्वरम भारत का एक प्रसिद्ध शहर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता रखता है। रामेश्वरम चार धामों में से एक धाम भी है और भगवान शंकर के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। रामेश्वरम अपने प्राचीन मंदिरों, दुनिया का सबसे भव्य कॉरिडोर, पंबन ब्रिज, राम सेतु और देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जन्मभूमि के रूप में देश और विदेशों में काफी लोकप्रिय है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड है जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह दिखाई देता है। रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम और इसीलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर का शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ का प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर दशरथ नंदन भगवान श्री राम को समर्पित है। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता सीता जी के द्वारा निर्मित रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं और महादेव जी का आशीर्वाद लेते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको रामेश्वरम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, ट्रेवल मोड्स के क्या ऑप्शन रहेंगे, मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं, साथ ही रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आपको यहाँ कौन कौन सी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमना चाहिए, यहाँ पर रुकने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, होटल के क्या प्राइजेस रहेंगे, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए ट्रेवल मोड्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं, राम सेतु, धनुषकोडी और कुरुसादाई द्वीप पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, रामेश्वरम विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, यहाँ पर आने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए, यहाँ का टोटल बजट कितना आएगा और वीडियो के लास्ट में बताएंगे एकदम लो बजट में आप पूरा रामेश्वरम कैसे घूम सकते हैं। तो ये सारी छोटी बड़ी रामेश्वरम यात्रा की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए रामेश्वरम दर्शन की यात्रा शुरू करते हैं। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व माना जाता है। यहाँ की कुछ प्रचलित कहानियों और पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम जी माता सीता जी को लेकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने सागर पार करने के बाद सर्वप्रथम गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। गंधमादन पर्वत पर बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका दर्शन करने वहां पहुंचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया और बताया कि रावण का वध करने के कारण आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तब श्री राम जी ने ऋषियों से ही इस समस्या का उपाय पूछा ताकि वे पाप मुक्त हो सके। तब सब ऋषियों ने भगवान राम से कहा कि आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उस शिवलिंग की पूजा करके भगवान महादेव जी को प्रसन्न करते हैं तो ही आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकते हैं। तब भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और एक शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी बड़े वेग से आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव तपस्या में लीन थे। हनुमान जी भगवान शिव की आंखें खुलने का इंतजार करते रहे। उधर रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त करीब आ रहा था तब सीता माता चिंता में व्याकुल होने लगी। पूजा का मुहूर्त निकल न जाने के डर से माता सीता ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान श्री राम जी ने सीता माता के द्वारा शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त अनुसार की और शिवलिंग की पूजा की। इस प्रकार वे ब्रह्म हत्या के दोष और पाप से पूरी तरह मुक्त हो गए। शिवलिंग की पूजा समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना तो हो चुकी है। ये देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े तो भगवान श्री राम जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त न बीत जाए इसीलिए शिवलिंग की स्थापना और पूजा करवानी पड़ी। लेकिन तब भी हनुमान जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि तुम्हारे द्वारा लाए शिवलिंग की पुनः स्थापना करते हैं और इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं। तब हनुमान जी बहुत ही खुश हुए। जब हनुमान जी ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की तो वह शिवलिंग नहीं उखड़ा
और वज्र की तरह कठोर हो गया। हनुमान जी ने सभी तरह के प्रयास किए, लेकिन अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के वशीभूत होकर रोने लगी और तब हनुमान जी को होश आ गए और उन्होंने श्री राम जी को देखा तो उन्हें परब्रह्मा के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए भगवान श्री राम और सीता माता से क्षमा याचना की। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया गया है, उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त हनुमान जी पर दया और स्नेह के कारण उनके द्वारा लाए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमंदीश्वर रखा गया। हनुमान जी द्वारा लाया गया स्फटिक शिवलिंग मंदिर के अंदर आज भी स्थापित है। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आप बस, फ्लाइट और ट्रेन के माध्यम से बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं। बाय ट्रेन आने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रेलवे स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल यहाँ का रामेश्वरम रेलवे स्टेशन बंद पड़ा हुआ है क्योंकि पंबन ब्रिज से होते हुए रेलवे ट्रैक अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसीलिए रामेश्वरम से पहले पड़ने वाले मंडपम रेलवे स्टेशन पर आपको उतरना होता है। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही रामेश्वरम जाने के लिए बसेस लगी हुई रहती है। जैसे ही ट्रेन आती है गवर्नमेंट की ओर से बसेस आ जाती है, यानी आपकी ट्रेन रात के 3 बजे की भी होगी तो भी आपको बस अवेलेबल मिलेगी और केवल 25 रुपए में बस या 500 रुपए में प्राइवेट ऑटो करके आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। मंडपम से रामेश्वरम की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, लेकिन अगर आपकी सिटी से डायरेक्ट मंडपम के लिए कोई ट्रेन नहीं आती है तो आप मदुराई रेलवे स्टेशन तक आ जाए। उसके बाद मदुराई के MGR बस स्टैंड से 3 और 4 प्लेटफॉर्म से आपको रामेश्वरम के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। अगर आप आधी रात को भी बस स्टैंड पर आते हैं तब भी आपको इजीली बसेस मिल जाएगी और मदुराई से बस का किराया 150 रुपए पर पर्सन होता है। आप चाहो तो AC बस में भी आ सकते हैं या फिर आप टैक्सी या ट्रेन चेंज करके भी रामेश्वरम तक आ सकते हैं। मदुराई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। वहीं बाई फ्लाइट आने के लिए नियर बाई एयरपोर्ट मदुराई का है, मदुराई तक आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं और बेंगलोर, चेन्नई और त्रिवेंद्रम से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप बाय रोड अपने प्राइवेट व्हीकल से रामेश्वरम आते हैं तो भी आपके लिए ये कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा क्योंकि नेशनल हाईवे से रामेश्वरम की अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। मदुराई पहुंचकर आप कार रेंट पर भी ले सकते हैं जिसके चार्जेस डे वाइज 1800 से 2500 रुपए तक होते हैं। रामेश्वरम में एंट्री लेने से पहले आपको ये पंबन ब्रिज नजर आएगा। ये वही ब्रिज है जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में आपने देखा होगा जिस पर से ट्रेन चलती है, लेकिन अभी यहाँ पर काम चल रहा है, पुराने ट्रैक को बंद करके नया ट्रैक बन रहा है। यहाँ पर 2 ब्रिज है, एक तो वो ट्रेन वाला नया ब्रिज है और ये रोड ब्रिज है। यहाँ से ट्रेन जब भी स्टार्ट होगी मैं आपको पोस्ट करके बता दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप जब भी रामेश्वरम जाए आपको पता रहे। यहाँ से आपको इंडियन ओशन का बहुत ही सीनिक व्यू देखने को मिलता है। पंबन ब्रिज इंडिया का सबसे पहला और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज था, लेकिन बांद्रा वर्ली सी लिंक बनने के बाद में ये सेकंड नंबर पर हो गया है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। यहाँ पर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपनी फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ से चारों ओर समुद्र का नीला पानी नजर आता है। ये प्लेस रामेश्वरम की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक है और काफी ब्यूटीफुल भी है। यहाँ पर आप जरूर रुकना, आते जाते रास्ते में ही आएगा ये ब्रिज। रामेश्वरम के बस स्टैंड से मेन मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। रामेश्वरम में घूमने के लिए आपको स्कूटी और बाइक रेंट पर भी मिल जाती है। अगर आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स मिल जाते हैं जो 500 से 600 रुपए में पर डे के बेसिस पर प्रोवाइड करवा देते हैं। बस आपके पास में लाइसेंस और आधार कार्ड होना चाहिए और पेट्रोल आपको भरवाना होता है, या फिर आप ऑटो बुक करते हैं तो 1200 से 1500 रुपए तक के चार्जेस आपके लग सकते हैं। रामेश्वरम में रुकने के लिए मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स, लॉज, धर्मशालाएं मिल जाती है और सिंगल पर्सन के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। रामेश्वरम एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर आपको रुकने की बहुत सी जगह मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कई होटल मिल जाएंगे
जिन्हें आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर आप बजट फ्रेंडली होटल और लग्जरी दोनों टाइप के होटल ले सकते हैं। रामेश्वरम में सस्ते में स्टे करने के लिए 400 से 1000 रुपए तक हर रेंज में होटल रूम्स मिल जाते हैं। कुछ लग्जरी होटल मंदिर से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप इन होटल्स में रुक सकते हैं। यहाँ के AC रूम्स के चार्जेस 2000 से 2500 रुपए तक की रेंज में होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मंदिर के नियर बाई एरिया में ही अपना स्टे ले। यहाँ पर भी आपको AC नॉन AC दोनों टाइप्स के रूम्स इजिली मिल जाएंगे। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित है। इन चारों गेट में से किसी भी एक गेट से आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको आ जाना है अग्नि तीर्थम पर। मंदिर से मात्र 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये अग्नि तीर्थम स्थित है। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम के दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये स्नान करने का एक घाट है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अग्नि तीर्थम घाट में एक बार स्नान कर लेने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु अग्नि तीर्थम में डुबकी जरूर लगाते हैं। यहाँ पर आप समुद्र में स्नान करें। यहाँ पर पिंडदान, गोदान, अस्थि पूजा, सर्प शांति, नवग्रह शांति जैसी और भी पूजा पाठ करवाई जाती है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने यहीं पर डुबकी लगा के स्नान किया था, तभी इस समुद्र की लहरें शांत हुई थी। मंदिर में दर्शन होने के बाद शाम के समय भी आ सकते हैं और सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं आपको शांति प्रदान करेगी और आप सुकून की सांस ले पाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल है, इसीलिए रामेश्वरम में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है। आपको पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करना है, फिर उन्हीं गीले कपड़ों में भीगे हुए मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थ में स्नान करना होता है। इसके लिए आपसे 25 रुपए का शुल्क पहले ही ले लिया जाता है। यह तीर्थ मंदिर के परिसर में कुंड के रूप में स्थित है, जिनमें शिव तीर्थ और माधव तीर्थ सरोवर के रूप में है, अगस्त्य तीर्थ और महालक्ष्मी तीर्थ बावलिया के रूप में है। मंदिर के स्टाफ के लोग यात्रियों को स्नान करवाने के लिए बाल्टी से सभी के ऊपर पानी डालते हैं। रामेश्वरम धाम में तीर्थ की संख्या 64 तीर्थम है। मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थ है और मंदिर परिसर के बाहर पूर्वी द्वार के सामने 2 तीर्थ है, जिनमें एक अग्नि तीर्थ है जो श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्वी द्वार के सामने स्थित समुद्र को ही अग्नि तीर्थ कहते हैं। यहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि तीर्थ के सामने अगस्त्य तीर्थ है। मंदिर के प्रांगण में स्थित इन तीर्थों का पानी देश के अलग अलग तीर्थों से लाया गया है। उन्हीं के नामों पर इनका नाम रखा गया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी तीर्थों के नाम मिल जाएंगे। इन कुंडों के बारे में ये भी कहा जाता है कि राम जी ने अपनी सेना की प्यास बुझाने के लिए इन कुंडों का निर्माण किया था। यहाँ की खास बात यह है कि आपको एक ही जगह पर इतने सारे तीर्थ करने को मिल जाएंगे और आप चाहो तो इनका पानी अपने घर के लिए भी लेकर जा सकते हैं। इन सभी कुंडों में स्नान करने में आपको 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है और इन तीर्थों में स्नान करने का अलग अलग महत्व है। इन सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद आपको गीले कपड़े बदलना है। गीले कपड़ों में प्रवेश वर्जित है। प्रांगण में बने चेंजिंग रूम में कपड़े बदलकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा। यहाँ पर सैकड़ों बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ खड़े हैं। इन सभी स्तंभों पर देवी देवताओं के शिल्प बने हुए हैं। इतनी अद्भुत भारतीय वास्तुकला देखकर आपको गर्व महसूस होगा। भगवान श्री रामेश्वरम जी का ये मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा और 125 फुट ऊंचा है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। यह मंदिर 3 भागों में बना है, पूर्वी गोपुरम, पश्चिमी गोपुरम, भीतर का गलियारा और बाहर का गलियारा। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनी है, जिसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 865 फीट है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 657 फीट है। मंदिर के बाहर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। चबूतरे पर 5 फुट ऊंचे स्तंभ बने हैं। छत स्तंभ के आधार पर बनी है। गलियारों की ऊंचाई 9 मीटर और परकोट की चौड़ाई 6 मीटर है। लंबाई पूर्व पश्चिम से 133 मीटर और उत्तर दक्षिण से 197 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचे हैं और गलियारों में 1212 स्तंभ हैं, जो पहली नजर में देखने से एक जैसे लगते हैं, पर नजदीक से देखने पर पता चलता है कि हर एक स्तंभ की कारीगरी एक दूसरे से अलग है। हर एक स्तंभ पर शिल्पकला की कारीगरी की गई है और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों हाथी इस कॉरिडोर में आ जा सकते हैं और हाथी को कुछ पूजा रस्म करवाने के लिए लाया भी जाता है। इस मंदिर में प्रधान रूप से एक हाथ से कुछ अधिक ऊंची शिव जी की लिंग मूर्ति स्थापित है।
इसके अलावा मंदिर में बहुत सी सुंदर सुंदर शिव प्रतिमाएं हैं। नंदी जी की भी एक विशाल और बहुत आकर्षक मूर्ति लगाई गई है। भगवान शंकर और पार्वती की चल प्रतिमाएं भी है, जिनकी शोभा यात्रा वार्षिकोत्सव पर निकाली जाती है। इस अवसर पर सोने और चांदी के वाहनों पर बैठाकर शिव और पार्वती की सवारी निकाली जाती है। वार्षिकोत्सव पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चांदी के त्रिपुट और श्वेत उत्तरीय से सजाया जाता है, जिसमें शिवलिंग की अद्भुत शोभा होती है। इस मंदिर का गलियारा भारत के सभी हिंदू मंदिरों से सबसे लंबा है। इसका निर्माण राजा मुथुरामलिंग सेतुपति ने करवाया था। रामेश्वरम में बने मंदिर को शैवों, वैष्णवों और स्मार्तों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लंका जाने से पहले श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध के समय किए गए पाप को दूर करने के लिए यहाँ शिव जी से प्रार्थना की थी। शास्त्रों के अनुसार ऋषियों की सलाह पर ही राम ने अपनी पत्नी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रावण को मारने के दौरान किए गए ब्रह्म हत्या के पाप को समाप्त करने के लिए यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया और पूजा आराधना की। मूल शिवलिंग के दर्शन करने से पहले हनुमान जी द्वारा लाए स्फटिक शिवलिंग के दर्शन करने होते हैं। श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का दर्शन करने के बाद ही सीता माता द्वारा निर्मित शिवलिंग का दर्शन करने से ही रामेश्वरम की यात्रा पूर्ण होगी। जब आप गर्भगृह की तरफ जाएंगे तो वहाँ लंबी लाइन लगी होगी। सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे सबको आराम से दर्शन करने का मौका मिलता है और आप जैसे जैसे चलते जाते हैं तो दूर से एक मिनट तक आपको दर्शन करने को मिलते हैं। गर्भगृह के पास जाने पर आपको दियो की रोशनी में चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई देगा। अपने मन को एकाग्र करके भगवान के शिवलिंग का दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर अनेक अन्य भी मंदिर है जो लंका नरेश विभीषण ने स्थापित किए थे, जिनमें से गणेश मंदिर, अंबिका माता मंदिर, पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर और विशालाक्षी मंदिर के निकट 9 ज्योतिर्लिंग है। मंदिर में स्थानीय लोगों के शादी ब्याह भी आयोजित करवाए जाते हैं, जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने में आपको आधे घंटे से लेकर सवा एक घंटे तक का टाइम लग जाता है और आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है, बड़ी ही आसानी से आपके दर्शन हो जाते हैं। हाँ, बाकी श्रावण मास के दौरान दर्शन करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर इतना ज्यादा रश नहीं होता है। पर फिर भी आप लाइन में न लगकर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर में स्पेशल एंट्री दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें आप 100 से 200 रुपए पे करके जल्दी दर्शन कर पाएंगे। खाने पीने के लिए मंदिर में ही प्रसादालय की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में बने प्रसादालय का टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होता है और प्रसादालय का भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वैसे मंदिर के आसपास खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, जहाँ से आप भोजन कर सकते हैं। रामेश्वरम अपने लजीज भोजन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप दक्षिण भारत का बेहतरीन खाना खा सकते हैं। यहाँ के कुछ मशहूर पकवान इडली, डोसा, मसाला डोसा, सांबर और अप्पम है। आप इन पकवानों को सस्ते से महंगे होटल और स्ट्रीट फूड के तौर पर भी पूरे रामेश्वरम में खा सकते हैं। मंदिर के नियर बाई आपको अच्छा खाना मिल जाएगा और थाली की सुविधा भी मिल जाएगी, और यहाँ पर ज्यादा महंगाई नहीं है, नॉर्मल है, तो आपका मील का खर्चा ज्यादा नहीं आएगा। दोस्तों, इसी दिन आप विलुंदी तीर्थ यानी बाणगंगा घूमने के लिए आ जाइए। विलुंदी तीर्थ कलाम स्मारक से 2 किलोमीटर की दूरी पर और रामनाथ स्वामी मंदिर से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थांगा चिंदम गांव के समीप स्थित है। यह रामेश्वरम का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि एक बार माता सीता जी को प्यास लगी तो भगवान राम ने माता सीता जी की प्यास बुझाने के लिए इस स्थान पर समुद्र में तीर मारा था। फिर खारे पानी के समुद्र से मीठे पवित्र जल की धारा उत्पन्न हुई थी, जिसका पानी पीकर देवी सीता ने अपनी प्यास बुझाई थी। आप इस कुएं से मीठे पानी को पीकर इस आश्चर्य का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर चारों ओर आपको खारा पानी मिलेगा। बस यहीं पर इस कुएं में मीठा पानी है और इस कुएं का पानी कभी कम नहीं पड़ता है। मीठे पानी के कुंड के अलावा यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है और काफी सुंदर वातावरण है यहाँ का, तो आप यहाँ पर जरूर आइएगा। नेक्स्ट हमारी लोकेशन है पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये पंचमुखी बालाजी मंदिर रामेश्वरम के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और इस मंदिर को पंचमुखी बालाजी मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान हनुमान के 5 मुंह वाली बड़ी सी मूर्ति स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी, आदि बिरहा, नरसिम्हा, हारग्रीव और गरुड़ जी की मूर्ति स्थित है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचमुखी मंदिर में आकर आप मंदिर की खूबसूरती के साक्षी हो सकते हैं और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में राम सेतु से जुड़ा हुआ फ्लोटिंग स्टोन भी देखने को मिलेगा। माना जाता है कि ये वही पत्थर है जो राम सेतु बनने में इस्तेमाल हुआ था। कहा जाता है कि रामायण युद्ध के दौरान मेघनाथ की मृत्यु के बाद
रावण ने दुष्ट राक्षस अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण छल से विभीषण का रूप धारण कर राम जी और लक्ष्मण जी को कैदी बना लेता है। पाताल लोक में हनुमान जी उन्हें कैद से मुक्त कराने के लिए पंचमुखी रूप धारण करते हैं, ताकि देवी के सामने पांचों दिशा में जलते दियों को एक फूंक में बुझा सके। अहिरावण का विनाश तभी संभव हो सकता था। पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने नटराज मंदिर स्थित है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। इस मंदिर की शिल्प कला देखने लायक है। नटराज मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आ जाए राम तीर्थम में। पंचमुखी हनुमान मंदिर से राम तीर्थम 210 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। यहाँ पर श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में बहुत ही प्यारी मूर्तियां स्थापित की गई है और मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर भी काफी खूबसूरत बनाया गया है। मंदिर के ठीक सामने ये कुंड बना हुआ है। इसे राम तीर्थम कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका से आने के बाद इसी कुंड में स्नान किया था। यहाँ पर आपको बहुत सारी नागदेव जी की मूर्तियां देखने को मिलेगी। जिस किसी के भी ऊपर सर्प दोष है उनकी पूजा यहाँ पर होती है। रामेश्वरम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर गंधमादन पर्वत जाते समय रास्ते में साक्षी हनुमान मंदिर आता है। इस जगह पर हनुमान जी ने भगवान राम को सीता जी के बारे में बताया था कि सीता माता लंका में है, और प्रमाण के तौर पर सीता माता की दी हुई चूड़ामणि श्री राम जी को दिखाई थी। रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गंधमादन पर्वत स्थित है। यह एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढते समय इस जगह पर पैर रख दिए थे, और आज भी इस जगह पर हनुमान जी का पवित्र पैर छपा हुआ है। पहाड़ी के ऊपर से आसपास का दृश्य बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। साक्षी हनुमान मंदिर से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर गंधमादन पर्वत आ जाता है। इस मंदिर को रामचरण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा सा शिखर है जो रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। यह मंदिर 2 मंजिल से बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान राम के अति सुंदर चरण चिन्ह उभरे हुए हैं। हनुमान जी ने यहीं से समुद्र को पार करने का अनुमान लगाया था, और भगवान रघुनाथ जी ने यहीं पर ही सुग्रीव और अन्य मुख्य वानरों के साथ लंका के युद्ध के संबंध में मंत्रणा की थी। ऊपर के मंजिल की छत से रामेश्वरम का दृश्य बेहद खूबसूरत और मनभावन दिखाई देता है। यहाँ दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले देवी देवताओं के समुदायों की अनेक प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। यह मंदिर मुख्यतः गंधमादन को समर्पित है, जो दक्षिण भारत के प्रमुख भगवानों में से एक है। यह स्थान ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसे हर तरफ से तीर्थ स्थल ने घेरा हुआ है। धनुषकोडी जाने वाले रास्ते में कोथानदारा स्वामी मंदिर स्थित है, जिसे विभीषण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। मंदिर भारत के दक्षिणी छोर पर बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है, और हिंद महासागर ने इसे हर तरफ से घेरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे चक्रवात आए, पर किसी का भी कुछ असर नहीं हुआ। ये इकलौता मंदिर है जो साइक्लोन में सर्वाइव कर पाया था। यह टेम्पल रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने विभीषण का अभिषेक करके उन्हें लंका का राजा घोषित किया था। इस मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता के साथ विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है। इसके परिसर में भगवान राम के चरणों के चिन्ह भी है, और मंदिर की दीवारों पर विभीषण को अभिषेक करते हुए भगवान राम की अनेक तस्वीरें भी बनी हुई है। कोथानदराम स्वामी मंदिर रामेश्वरम में घूमने के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह रामेश्वरम शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और अपनी धार्मिक मान्यता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी ने आराम किया था। यह मंदिर बहुत ही शांतिमय वातावरण प्रदान करता है, और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नकाशीदार वास्तुकला में निर्मित है, और ये भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर रामायण से जुड़े किस्सों की चित्रकला की गई है। इन चित्रकलाओं को देखकर आपको रामायण के कुछ चर्चित किस्सों की याद आ जाएगी। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी का समुद्र है। इसी समुद्र में एक शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि ये उस पत्थर का बना हुआ है जो कभी पानी में डूबता नहीं है। यहाँ पर भी आपको फ्लोटिंग स्टोन्स देखने को मिल जाएंगे। इस मंदिर के पास में यहाँ पर आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी खरीद सकते हैं।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में घूमने की अच्छी प्लेसेस में से एक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में यहाँ पर रहते थे। आज के समय में इस घर को म्यूजियम और शॉप्स के तौर पर संजोकर रखा गया है। यहाँ पर आपको अब्दुल कलाम जी के बचपन से जुड़ी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में जो भी प्रसिद्धि हासिल की थी उससे जुड़ी बहुत सी चीजें आपको इस बेहतरीन म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी। अगर आप रामेश्वरम में घूमने आते हैं तो आपको अब्दुल कलाम जी के घर में जरूर आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल। यहाँ पर स्ट्रिक्टली फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आप अपना फोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आसपास बने लॉकर्स में अपना फोन आप रखकर अंदर जा सकते हैं। इस मेमोरियल में आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। मेमोरियल रामनाथ स्वामी टेम्पल से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। यहाँ पर भी आप जरूर आना। लक्ष्मण तीर्थम राम तीर्थम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। लक्ष्मण तीर्थम लक्ष्मण जी का मंदिर है जो पूरी तरह से भगवान राम के भाई भगवान लक्ष्मण की पूजा के लिए समर्पित है। यहाँ पर आने वाले भक्त मंदिर को अत्यंत पवित्र मानते हैं और यह दो देवताओं के बीच भाईचारे के प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण तीर्थ का निर्माण भगवान राम के भाई भगवान लक्ष्मण की प्रेमयी स्मृति में किया गया था। भगवान लक्ष्मण को समर्पित इस मंदिर का निर्माण रामेश्वरम में ही किया गया है। लक्ष्मण जी की कई मूर्तियों को संगमरमर में उकेरा गया है और मंदिर में भगवान राम और देवी सीता की भी मूर्ति है जो उनके बीच मौजूद एकता की भावना को दर्शाती है। श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर और लक्ष्मण तीर्थम से 200 मीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये एक धर्मशाला और मंदिर है। यहाँ पर मूर्तियों को डिस्प्ले के अंदर रखा गया है जो रामायण और कृष्ण लीला के बारे में दर्शाते हैं। रामेश्वरम के शुरुआती छोर पर पंबन ब्रिज आता है तो वहीं बिल्कुल अंतिम छोर पर रामेश्वरम से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी आता है। धनुषकोडी जाने वाले रास्ते पर आपको उड़ती रेत के टीले देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ के बीचेस को देखकर आपको गोवा की याद आ जाएगी। धनुषकोडी जाने के लिए आप बसेस के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम के पास से हर आधे घंटे में धनुषकोडी जाने के लिए बसेस आती जाती रहती है और शेयरिंग ऑटो भी चलते रहते हैं। अगर आप पूरा ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो वाले आपसे 500 से 600 तक चार्ज करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई सारी प्लेसेस हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक जगह है धनुषकोडी। ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व के लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर साल 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल था। उस दौरान धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, चर्च, होटल, दुकानें और पोस्ट ऑफिस बना हुआ था लेकिन चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहा जाता है कि उस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई थी। 22 दिसंबर 1964 में एक भयानक तूफान आया था जिसके चपेट में पूरा धनुषकोडी तबाह हो गया था। अनुमान लगाया जाता है कि तूफान में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। तब से यह जगह सुनसान हो गई है। उस चक्रवात के दौरान धनुषकोडी और रामेश्वरम में बहुत नुकसान हुआ था। अब कुछ अवशेष जैसे रेलवे स्टेशन, चर्च, पोस्ट ऑफिस और कुछ टूटी फूटी इमारतें ही बची है। ये चर्च आज अपने पूर्व गौरव के बजाय केवल खंडर के रूप में खड़ा है। ये जगह धनुषकोडी में सबसे पवित्र और सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप इन दुकानों में रियल मोती से बने ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स और भी कई आइटम्स खरीद सकते हैं। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि यहाँ रात के वक्त रुकना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले ही रामेश्वरम लौट जाते हैं। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है क्योंकि इस इलाके को बेहद ही रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को सच में भूतिया मानते हैं। शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पर आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ये पूरा इलाका खाली हो जाता है। वहीं यहाँ से थोड़ा और आगे चलने पर आप आ जाएंगे लाइट हाउस तक। यहाँ पर आपको लाइट हाउस के ऊपर से बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर ये पूरा एरिया धनुष के आकार का दिखाई देगा। धनुषकोडी लाइट हाउस घूमने के बाद अब हम जाएंगे भारत की भूमि के अंतिम छोर धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई की ओर यानी राम सेतु की ओर, जहाँ से राम सेतु की शुरुआत होती है।
धनुषकोड़ी से अरिचल मुनई की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अब एक नई सड़क धनुषकोड़ी के माध्यम से अरिचल मुनई यानी अरिसियन पॉइंट भारत भूमि के अंत तक जाती है, जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है। ये वही जगह है जहां वानर सेना जब भी किसी पत्थर पर जय श्री राम लिख देती थी तो वह पत्थर पानी में डूबता नहीं था। उसी पत्थर को पानी में डालकर राम सेतु का निर्माण किया गया था। राम सेतु के निर्माण में पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया था। ये राम सेतु आज खंडित हो गया है, लेकिन इसके साक्ष्य हमें आज भी देखने को मिलते हैं। राम सेतु उस पुल को कहा जाता है जिसका निर्माण रामायण काल में श्री राम जी और उनकी सेना ने मिलकर किया था। राम सेतु रामेश्वरम में घूमने की लाजवाब जगह है। ये जगह भारत और श्रीलंका की सीमा है। यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, यानी 27 किलोमीटर दूर है। इतने से डिस्टेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए आप यहाँ पर टेलीस्कोप से श्रीलंका के कुछ नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से रात में श्रीलंका में जलने वाली लाइट आसानी से देखने को मिलती है और वहाँ के गांव का कोई चर्च दिखाई देता है। जब पानी का स्तर कम होता है तभी आप उस पार बीच पर जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लोग पूजा भी करते नजर आएंगे। वहीं यहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए यहाँ पर आप स्ट्रीट फूड का भी मजा ले सकते हैं, साथ ही अपनी फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। विवेकानंद मेमोरियल और कुंथकल बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर पंबन के पास में कुंथकल गांव में स्थित है। ये प्लेस रामेश्वरम से 12 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इस बीच का क्रिस्टल साफ नीला पानी बीच को और भी बहुत ही सुंदर बनाता है। इस मेमोरियल का उद्घाटन 26 जनवरी 2010 को हुआ था। मेमोरियल के बनने से पहले इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की याद में एक स्तंभ लगा हुआ था। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का 6 फीट का स्टेचू बना हुआ है और मेमोरियल में एक आध्यात्मिक पुस्तकालय और ध्यान कक्ष भी बना हुआ है। कुरुसादाई आइलैंड रामेश्वरम के आइलैंड्स में से सबसे फेवरेट प्लेसेस में से एक है, जो मूंगा चट्टानों के लिए जाना जाता है। ये आइलैंड पृथ्वी के जलीय जीव मंडल में से उपलब्ध सबसे कीमती जीवित जीवाश्मों में से एक कैप्टिकल बेलेनोग्लोसस जीव के लिए भी जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी में बसा यह छोटा सा आइलैंड मंडपम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पंबन आइलैंड के बीच पंबन ब्रिज के पास में स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले पंबन आ जाना होगा। रामेश्वरम से करीब 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर और विवेकानंद मेमोरियल से सिर्फ 150 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर कुरुसादाई आइलैंड जाने वाला पोर्ट बना हुआ है। आइलैंड पर जाने के लिए आपको 300 रुपीज पर हेड के अकॉर्डिंग टिकट के चार्जेस के देने होते हैं। बोट से कुरुसादाई द्वीप पर पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप रामेश्वरम के समुद्र में बोटिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप यहां पर बोटिंग कर सकते हैं। अग्नितीर्थम से सिर्फ 160 मीटर की दूरी पर शिव बोटिंग सर्विस है। यहां से सबसे पहले आपको वुडन ब्रिज को क्रॉस करके फेरी तक जाना होता है। 100 रुपीज पर हेड फेरी की कॉस्ट होती है और 45 मिनट तक आपको बोटिंग करवाई जाती है, जिसमें आपकी सेफ्टी का ध्यान भी रखा जाता है और आपको लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। बोट करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक आपको समुद्र के बीच लेकर जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट रामेश्वरम। अगर आप रामेश्वरम में घूमकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साक्षी होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सर्दियों के मौसम में आना चाहिए। सर्दियों में आप अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। इस समय यहाँ का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता है, जो कि घूमने के लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। इसके अलावा अगर आप मार्च के बाद में आते हैं तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि रामेश्वरम भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, इसीलिए टेम्परेचर गर्मियों में 40 डिग्री पार हो जाता है और इस इलाके में उमस भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपका घूमना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप अक्टूबर से थोड़ा पहले आएंगे तो यहाँ पर मानसून का सीजन रहता है। यहाँ पर जुलाई से सितंबर तक मानसून रहता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश के कारण भी आपको घूमने के प्लान बदलने पड़ सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रामेश्वरम में घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है। रामेश्वरम में घूमने के लिए आप कम से कम 2 दिन का टूर प्लान तो बनाएं। 2 दिन में आप पूरा रामेश्वरम अच्छे से घूम पाएंगे। पहले दिन आप यहाँ पर जा सकते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में, पंचमुखी हनुमान टेम्पल, राम तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम, विलुंदी तीर्थम, पंबन ब्रिज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस और नेशनल मेमोरियल में। नेक्स्ट डे विभीषण टेम्पल, धनुषकोड़ी, राम सेतु, लाइट हाउस, विवेकानंद मेमोरियल, कुरुसादाई आइलैंड घूमने के लिए जाएं।
वैसे एक दिन में भी आप पूरा रामेश्वरम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आराम से ये सारी जगह घूमें। वहीं अगर हम टोटल बजट की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपए के अकॉर्डिंग होटल मिल जाएगी पर नाइट के लिए। इसमें 2 लोगों को मान के हम चल रहे हैं, 2 एडल्ट्स तो साथ में रहेंगे ही। खाने पीने का आपका 500 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग 1200 से 1500 तक का आएगा। अगर आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो इससे भी सस्ते में हो जाएगा पर डे के अकॉर्डिंग। तो इसी बेस पर 2 दिन में रामेश्वरम घूमने के हमारे इस टूर प्लान में पर पर्सन 3000 से 4000 का खर्चा आ सकता है। अगर आप इससे भी कम बजट में घूमना चाहते हैं तो उसके भी कई सारे ऑप्शंस हैं। आप स्टे करने के लिए डॉर्मेट्री ले सकते हैं, सस्ते होटल ले सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेयरिंग ऑटो का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से आप 2000 से 2500 रुपए में आराम से रामेश्वरम घूम सकते हैं।